हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डॉल्फिन ब्रांड सोडा मशीन चैनल में। वीडियो शुरू होने से पहले आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दिखाए हुए बेल के आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको हमारी रोज़ नई नई प्रोडक्ट के बारे में नोटिफिकेशन मिलती जाएंगी। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे हमारी नई प्रोडक्ट के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉल्फिन अप्लायंस चैनल। डॉल्फिन अप्लायंस कंपनी में आपका स्वागत है। ये हमारी डॉल्फिन कंपनी का नया मॉडल है सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन, जो हमने इसको नया लॉन्चिंग किया है मार्केट में। टोटली हाई क्वालिटी टॉप क्वालिटी की मशीन लॉन्च की है मार्केट में। हमें मशीन के बारे में आपको पूरी इंस्टॉलेशन कैसे करनी है, मशीन को कैसे फिटिंग करनी है, कैसे इसको ऑपरेट करनी है, कैसे चलानी है मशीन को, कैसे उसका फ्लेवर मिक्स करना है, मशीन के साथ क्या क्या फ्री में मिलेगा, वो हर एक डिटेल्स आपको बताएंगे इसकी। ये वीडियो 12 से 15 मिनट का वीडियो बनेगा, तो आप ये पूरा पहले से लेकर लास्ट एंड तक पूरा वीडियो देखेगा तो आपको पूरी समझ आएगी कैसे क्या करना है इसके बारे में। सबसे पहले हम मशीन को असेंबल करना बताएंगे कि कैसे इसको असेंबल करना है। जब आपके पास मशीन का डिलीवरी आएगी तो ये पोजिशन के अंदर डिलीवरी आएगी, इसलिए हम आपको सबसे पहले असेंबल करना बताते हैं कैसे असेंबल करना है। सबसे पहले इसके रोलर से, जो दो रोलर्स दिए रहते हैं, ये रोलर्स को इसके अंदर लगाना है आपको। इसके वाइसेस रहते हैं रोलर्स के, ये पोजीशन के अंदर आपको लगाना है इसको। ये पोजीशन में ऐसे पोजीशन में दोनों को लगा देना है। इसके स्क्रू निकाल लेने हैं, जो स्क्रू दिए गए इसके बोल्ट है। ये टोटल 5 बोल्ट दिए गए हैं, मशीन में 4 बोल्ट लगेंगे, 1 बोल्ट आपको स्पेयर में मिलेगा साथ में। सबसे पहले इसको अच्छे से फिट करना है इसके अंदर। इसको फिट कर देना है इसे। इसको फिट कर देना है, ये फिट हो गया अभी पूरा। इसका मैनुअल दिया हुआ है, बुक भी दिया हुआ है मशीन के साथ में, तो आप बुक में भी सब डिटेल्स लगा रहता है। इसके अंदर सब डिटेल्स होता है, कैसे इसको ऑपरेट करना है, कैसे मूवमेंट करना है, सब मशीन के अंदर कौन सा स्पेयर पार्ट आता है, क्या यूज होता है, सब डिटेल्स है इसके अंदर। अब हम आपको इसका फ्लेवर कैसे मेक करना है, फ्लेवर मेक करने के लिए बताएंगे कैसे इसको फ्लेवर मेक करना है। ये वेनिला का फ्लेवर है, वेनिला आइसक्रीम का फ्लेवर है, बायोफ्लेक्स कंपनी का फ्लेवर है। आप देख सकते हो फ्लेवर पूरा बायोफ्लेक्स कंपनी का फ्लेवर है। इसका वैलिडिटी डेट भी आप देख सकते हो, 17/10/2018 को इसको मेक किया गया, बनाया गया है। इसका ये डेट है, मैंने मेकिंग डेट है, और 12 मंथ तक ये पाउडर को कुछ नहीं होता है, 12 महीने का 1 ईयर्स का इसका वैलिडिटी रहता है, और ये पूरा FSSAI सर्टिफिकेट मान्य रहता है फ्लेवर। इसका सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड नंबर है। तो ये फ्लेवर भी हम जो कस्टमर को फ्री में भी देंगे, साथ में ये ब्रांडेड कंपनी का फ्लेवर देंगे, जिससे कस्टमर को इसका नेचुरल टेस्ट मिलेगा, टेस्ट का क्वालिटी भी एकदम बढ़िया मिलेगा। और इसको 1 किलो का पाउडर है, 1 kg का पाउडर है। अभी हम इसको आधा बनाएंगे, हाफ बनाएंगे टेस्टिंग के लिए।
800 ml तक हम इसको भरेंगे, रिफिल करेंगे 800 ml तक। 500 ग्राम मतलब 800 से 850 ml समथिंग होता है पाउडर। अभी हम ml के हिसाब से इसको भरेंगे। इसमें मिल्क डालेंगे हम, ये अमूल कंपनी का मिल्क है, अमूल गोल्ड 250 ml का मिल्क है एक थैली में। पाँच सौ ml का एक है, ऐसा चार थैली हम डालेंगे इसके अंदर। 500 ml का एक थैली है। उसी तरह हम दूसरा चॉकलेट फ्लेवर भी बनाएंगे साथ में। चॉकलेट फ्लेवर भी ये वही कंपनी का चॉकलेट फ्लेवर है, आप देख सकते हो वही कंपनी का चॉकलेट फ्लेवर है, बायोफ्लेक्स कंपनी का ही है। इसका भी वैलिडिटी है लिखा हुआ है, यहाँ पे डेट लिखा हुआ है इसका भी। फिल कर दिया इसने, इसमें भी उसी तरीका से हम चार थैली डालेंगे मिल्क की, 500 ml की, इसलिए 2 लीटर हो जाएगा मिल्क इसमें। और मिल्क रहते हो जितना भी क्रीमी मिल्क रहेगा बेटर, ज्यादा फेट का रहेगा उतना अच्छा रहेगा, उतना क्वालिटी टेस्ट आपको अच्छा मिलेगा इसमें। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, इलेक्ट्रिक मिक्सचर है इससे हम अच्छे इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी देख सकते हैं पूरा
अब इसको मिक्स कर देंगे। पूरी वीडियो देखने के लिए हम आपके आभारी हैं। आपको हमारी ये प्रोडक्ट कैसी लगी या कोई और सजेशन देने के लिए आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट दे सकते हैं। और आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर